all of you, welcome to the third session of Current Affairs for IB, CDS and APCAT. How are you guys? सबसे पहले बता दो आपको आवाज क्लियर आ रही है. So we will continue. Okay. Very good evening. Okay. I am waiting for your comments. आवाज आ रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट गाइस, ग्रेट. जॉइन इन, जल्दी से जुड़ जाओ. सो ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा करंट अफेयर्स का, आईबी, एफकैट एंड सीडीएस. एंड दिस इज द थर्ड सेशन गाइज. अगर आपने पहले दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो इसी शौर्य विवेक चैनल पे आपको बाकी दोनों भी मिल जाएंगे जो पिछले थर्सडे फ्राइडे करवाए गए थे, तो आप वो जरूर देख लेना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है. और अगर आप न्यू आए हो इस चैनल में, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि सीबीएस, एफकैट और आईबी जो जो बच्चे दे रहे हैं. ओके, कम ऑन. धुआं, ओ माय गॉड. धुआं करने के चक्कर में तुम लोग जल मत जाना, ठीक है. ऑलराइट, सो जो बच्चे मेरे को नहीं जानते हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मेरा नाम दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट. मैं अन अकेडमी पे एक टॉप एजुकेटर हूँ. मैं डिफेंस कैटेगरी में पढ़ाती हूँ और मैं बहुत सारे फ्री सेशंस ले रही हूँ गाइस. अगर आप अन अकेडमी प्लस में ऑलरेडी हैं, वेरी गुड, उसके तो मेरी क्लासेस फर्स्ट स्टेप से शुरू होंगी. अदरवाइज मैं फ्री क्लासेस भी ले रही हूँ बहुत सारी, जिसमें हम पॉलिटी एमसीक्यूज कर रहे हैं. और आने वाले दिनों में सैटरडे संडे में मैं आपको फ्री पॉलिटी सेशंस दे रही हूँ, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो एकदम ब्रांड न्यू है पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए, उनको कुछ भी नहीं आता है इसके बारे में. और जो आने वाला एग्जाम है, जैसे कि स्पेसिफिकली आईबी जो एकदम नया एग्जाम आया है बहुत सालों बाद, एफकैट, सीडीएस, सीप, सारे एस्पायरेंट्स उसको देख सकते हैं. इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगी. बाकी शौर्य विवेक चैनल पे भी, कम्युनिटी में भी मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है और लिंक भी दिया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा हो, देख लीजिएगा क्लास के बाद, फिर आप वहां से आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हो. ये सैटरडे संडे वीकेंड बोनांजा टाइप रहेगा, ठीक है, आ जाओ. वेरी गुड इवनिंग गाइस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज हम लोग सितंबर करंट अफेयर्स करने वाले हैं. प्लस क्लासेस के बारे में हम बाद में बात करते हैं, आज हम सितंबर करंट अफेयर्स करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आर वी ऑल रेडी? सब रेडी है? ओके, कम ऑन. ओके, वेरी गुड इवनिंग. रुतिक, सीएपीएफ में मैथ्स, अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं समझ आती है तो आप फिर रीजनिंग कर लो, बाकी सारे जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लो. मैथ्स का या तो दो तीन चैप्टर जो इजी है उनको पिक कर लो जो आपसे हो रहे हैं. जीरो मत रखो मैथ्स को, कुछ कुछ कर लो. ओके, सार्थक, नहीं, अगर आपने पॉलिटी करी हुई है फिर कोई जरूरत नहीं है. जिसने पॉलिटी पढ़ी हुई है उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ओके, सितंबर करंट अफेयर्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, वीएस गायतोंडे जो न्यूज में देखे गए थे, ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है? वीएस गायतोंडे, ये सितंबर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं गाइस. जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, लॉयर या पॉलिटिशियन. कम ऑन. फीनिक्स, नेस्ट, हाँ हो जाएगा. मैं अभी जब तक आपको एग्जाम नहीं है तब तक मैं करंट अफेयर्स करवाती रहूंगी, तो आपका मैं सारा कवर कर दूंगी, ठीक है. ओके, कम ऑन गाइस. यस, अगर आपको नहीं भी आता है गेस करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लीज गेस वर्क शुरू करो. ओके, यस, वेरी गुड. हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी दिख रहा है. गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड. यस, आंसर इज आर्टिस्ट. ये आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स करते हैं. इनकी पेंटिंग सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क ऑफ आर्ट मानी गई है जो एक इंडियन आर्टिस्ट की तरफ से होती है.
इट हैज स्पेंट 32 करोड़ रुपीज, इसीलिए ये सबसे महंगी मानी गई है। ये मुंबई के एक ऑक्शन में इतने पैसों में बिकी है, ठीक है। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग वॉज क्रिएटेड इन 1974 और इंटरनेशनल बायर ने खरीदी है, इसलिए ये न्यूज में भी आया था। ऑल राइट, सेकेंड, इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 11 सितंबर। गाइज ये डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते कोई भी डे उठा के पूछ लेते हैं और डेट्स भी बड़ी कंफ्यूजिंग सी रहती है, सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम करते रहेंगे। ओके आशुतोष, आई नो, आई विश मैं पोल दे पाती, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। ओके ओके, कम ऑन गाइज, गाइज जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए सो दैट आप बाद में भी इस सेशन को देख सकते हो रिवीजन के लिए, या आपके पास आपको लगता है कि एक बार में मुझको नहीं आ रहा है तो दूसरी बार आप फिर से प्रैक्टिस करने के लिए भी देख सकते हो। यस कम ऑन, ओके ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है सितंबर 8 को पूरे विश्व में। सबसे पहला लिटरेसी डे डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा 1966 में, ठीक है, सबसे पहली बार 8 को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सारे वर्ल्ड में, विश्व में हर एक को पढ़ाई एज एन इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी की पढ़ाई, उन सब के ऊपर फोकस करते हैं। और जो थीम थी इस साल की ये थी, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 हर जगह छाया हुआ है तो उसी से रिलेटेड ये थीम भी हो गई, लिटरेसी और कोविड को कनेक्ट कर दिया गया है। आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है। शुभम, आई नो बच्चे, पोल में जो मजा आया वो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सारी क्लासेस स्पेशल में नहीं ले सकती, उसमें मेरे पास एक लिमिटेशन है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एग्जाम है, एग्जाम का सोचो, जहां से भी जितना भी नॉलेज गैदर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, करो, अभी सिर्फ वो सोचो और कुछ मत सोचो। ओके चलो, थर्ड, नेम ऑफ द न्यू ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ वोडाफोन आइडिया। इनकी एक नई ब्रांड आइडेंटिटी बनी है, वो क्या है? आईडी फोन, वो आइडिया, वी मी, क्या है नया आइडेंटिटी इस ब्रांड का? वोडाफोन आइडिया का मर्जिंग हो चुका है, आप लोगों को पता होगा, तो इन्हें क्या ब्रांड बनाया है? ओके आशीष चौहान, हाँ मैं इसका पीडीएफ गाइस टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, ठीक है। ओके कम ऑन गाइस, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, मेरे को लगा तुमको आता नहीं होगा ये, ओह शिट, तुमको तो आता है यार। यस आंसर इज दिस, वी, इसको वी बोलते हैं, वोडाफोन और आइडिया दोनों का नंबर जो पहला लेटर है उसको लेके बनाया गया है सिंबल को। एंड ये आइडिया को पहले ही अक्वायर किया कर लिया गया है, 2 साल बाद इसका एक नया आइडेंटिटी फॉर्म करके लॉन्च किया गया है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इलीगल सॉफ्टवेयर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे ने बैन किया है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसने एक ऐप है जो बैन किया है, कौन सा है? टिकटॉक, पबजी, रियल मैंगो, रियल एप्पल। इलीगल सॉफ्टवेयर, ओके ओके, टेलीग्राम लिंक, ओके मैं प्रोवाइड करवाती हूँ आपको टेलीग्राम लिंक, आंसर करो इसका, आई जस्ट अरेंज द टेलीग्राम लिंक फॉर यू। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, हमने पुरानी लिंक सब बंद कर दी है बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्राउड आ गया था ग्रुप पे एंड इट बिकेम अ फिश मार्केट, दैट इज व्हाई। ओके यस यस, आंसर इज रियल मैंगो,
पहले आपका ना रॉ मैंगो था, फिर उसको रियल मैंगो करा गया। ये बेसिकली जो रेलवेज में टाउट सिस्टम होता है ना, बीच के जो एजेंट होते हैं उसके लिए था, उनको रोक टोक लगाने के लिए। कोविड के बाद जब रेलवे सर्विसेज वापस शुरू हुई तो इस ऐप का काफी टाउट्स ने मिसयूज करा इसको यूज करके। ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसको आरपीएफ ने बंद कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के बाद। उससे पता लगा कि बहुत सारी ट्रेन सर्विसेज में ये टाउट्स आए और कम से कम 50 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया था इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से रिनाउंड साइंटिस्ट को फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है? गोविंद स्वरूप, सीएस शेषाद्री, एमएस रघुनाथन, डी वीके कपाही। ओके, कम ऑन गाइस। दूरबीन, थप्पड़ पड़ेगा। ओके, यस, कम ऑन। रिनाउंड साइंटिस्ट फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। करेक्ट आंसर इज गोविंद स्वरूप। एंड साइंटिस्ट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को ये बोला जाता है। रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर हैज पास्ड अवे आल्सो रिसेंटली इलनेस की वजह से। फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये मैंने उनकी फोटो भी लगाई है यहाँ पे, कुछ बच्चे इससे ज्यादा रिलेट करते हैं। He had received various awards including Padma Shri and Bhatnagar Award. Okay. All right, guys. Next question. Sixth question. Five questions down. कौन सी इंडियन सिटी प्ले होस्ट करेगी एशिया लार्जेस्ट एरो शो, एरो इंडिया 21, मतलब 2021 में एरो इंडिया होगा, जो सबसे बड़ा एरो शो होगा वो कहाँ होगा? गुड़गांव, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोलकाता। सिंपल क्वेश्चन है यार गाइस। आपको चैट में आपको लिंक आ गया होगा टेलीग्राम का, राइट? तो उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो और मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आज रात तक, ठीक है? बट मैसेज मत करना पीडीएफ 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 पीडीएफ, रात को आ जाएगा, ठीक है? क्लास के इमीडिएट बाद नहीं दूंगी, थोड़ी देर में दूंगी। ओके, कम ऑन। यस, सो सिंपल सो सिंपल। बेंगलुरु, बेंगलुरु में ये एरो इंडिया 21 करा जाएगा। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी वेबसाइट भी लॉन्च करी थी और सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा शो इसको बोला जा रहा है। 13th एडिशन शो रहेगा, 13th एडिशन शो शेड्यूल कब हो रहा है? फरवरी के महीने में, आपके एग्जाम के पहले ही हो जाएगा, 3-7। गाइस इस शो से रिलेटेड ये डिफेंस हो जाएगा, डिफेंस न्यूज होगी। इतना इमीडिएट तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए डिफेंस न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ सोशल एक्टिविस्ट और आर्य समाज लीडर जो रिसेंटली पास अवे हुए हैं? रिसेंटली मतलब पिछले साल। ए बी सी डी, स्वामी अग्निवेश, नरेंद्र कुमार स्वयं, गोविंद स्वरूप, केशवनंद भारती। ओके, कम ऑन कम ऑन गाइस। यस, और जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्लीज सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कुछ कुछ नया वीडियो आ रहा है जो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियल रहता है।
बीएड सर का, बीएड मेरा, सम इंफॉर्मेशन अभी सर ने आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी डाला है, एंड आई विल बी कमिंग अप विद एन अफ्सपा वीडियो दिस वीकेंड, जिससे आपको समझ आएगा बेसिक्स क्या होते हैं अफ्सपा के, यूएपीए के, आई विल बी डूइंग दोस वीडियोस फॉर यू. मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते भी आपको बोला था, बट उस वीकेंड आई गॉट रियली बिजी, इस बार मैं आपको डाल दूंगी. यस, तो आंसर इज इसके स्वामी अग्निवेश, आंसर इज ए, वेटरन सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मर हरियाणा एमएलए. स्वामी आपको शायद छोटा पड़ रहा हो, रिसेंटली पास अवे इन दिल्ली, एंड वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे आर्य समाज के, ओके, एंड एडवोकेट फॉर डायलॉग बिटवीन रिलीजियंस आल्सो. ये एक एमएलए भी थे एंड आर्य समाज के एक्टिविस्ट भी थे. यस, करेक्ट करेक्ट. तो दिस इज हिज फोटो. आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर फोटोज गाइस, ताकि आपको और अच्छा सा रिलेट हो पाए. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड रेगुलेशंस अपग्रेड करने के लिए इंडियन ऑटोमोबाइल में सेफ्टी फीचर्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, लॉजिक लगाने जिसको नहीं भी आता. कौन सी मिनिस्ट्री ने बताया है कि हमारे जो गाड़ी वगैरह होंगी उसके एमिशन, मतलब वो क्या धुआं फेंकती है, और सेफ्टी फीचर्स कौन सी मिनिस्ट्री ने बोले हैं? अनुष्का, यू बेटर नॉट स्टे इन दिस क्लास इफ यू आर टॉकिंग टू मी इन दैट टोन. ओके, जिससे ज्ञान ले रहे हो उससे तो तमीज से बात करना सीखो आप, समझ रहे हो? और अगर आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप मत रुकिए यहाँ पे. इनफैक्ट आप ये टाइप करके अपना टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड प्लीज ग्रो अप. ओके, हाँ आशुतोष, एक ही वीडियो आया है, दे विल कीप कमिंग अप. ओके, यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ बहुत ही सिंपल है यार, बिल्कुल सही. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, आंसर इज सी. इसने रेगुलेशंस बताए हैं कि भैया ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, अपग्रेड करो सारे फीचर्स को. इसने बोला है कि भाई एयर बैग, एबीएस सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, क्रैश स्टैंडर्ड, सबको इम्प्रूव करा जाए और बेटर स्टैंडर्ड लाओ, एंड इंडियन ऑटोमोबाइल्स को पार लाना है डेवलप्ड नेशंस के लेवल तक, हमें इम्प्रूव करनी है हमारी इंडस्ट्री. All right. Okay, great. मोहित, आप शायद देख आ रहे हो, मैं लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, पिन करा हुआ है, उस लिंक से चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री वॉज हिट बाय द स्टॉर्म सैली, तूफान था सैली, और कौन से स्टेट, मतलब कौन सी कंट्री में हिट हुई और फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी इमरजेंसी. तो कौन सी कंट्री थी? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस. वेरी बेसिक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन. ओके, टेलीग्राम इज नॉट ओपनिंग, ये लिंक चल रहा होगा आई थिंक. अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो भी नहीं चलता है जनरली. और प्लीज चेक योर सेटिंग्स गाइस, बहुत बच्चों की सेटिंग्स होती हैं कुछ की वो अलाउ नहीं करता इसको खोलने के लिए, कुछ प्रिवेसी सेटिंग्स होती हैं, तो प्लीज चेक देम बिफोर डाउनलोडिंग और ओपनिंग दिस लिंक. ओके, कम ऑन मोहित. हाँ ये तो दिख रहे हैं जो आप बोल रहे हो, मेरे मैसेजेस विजिबल है, दिख रहा है. ओके, आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स. वेरी सिंपल, यूनाइटेड स्टेट्स में ये स्टॉर्म आया था सैली, एंड उससे उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी. बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन. चलो 10th क्वेश्चन गाइस, आज हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं हर क्लास में. वेयर इज द कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज, ये कहाँ लोकेटेड है? ए बी सी डी, कहाँ लोकेटेड है ये? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. पवन, यस, सितंबर, सितंबर करंट अफेयर्स. ओके बेटा, देखो जो जो आपको नहीं आ रहा है, आंसर आपका गलत हो रहा है, वो नोट डाउन कर लो, या पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आप उसके नोट्स अपने बनाना है बनाओ, वरना रिवाइज कर लेना. बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, वी डोंट नो क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, बिकॉज ये एग्जाम बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद आ रहा है आईबीएसईआई का. ठीक है,
यस, तो आंसर है सी बिहार. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था बिहार में, सैंक्शन बाय गवर्नमेंट. 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, मेगा ब्रिज. एंड ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है. व्हाई? क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है. ऑलराइट, 11th क्वेश्चन. कौन सी कंट्री हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज, ध्यान से सुनिए, मेंबर ऑफ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन? कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है फिर से? इंडिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया. यस, वेरी गुड. स्ट्रैटेजी का एक क्लास रखिए. इमरान, संजय सर ने स्ट्रैटेजी का एक सेशन लिया है आईबी के लिए, आप वो देख लीजिए. 60-40 स्ट्रैटेजी, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इसी चैनल पे आप देख सकते हैं. ओके, श्रेया, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 6 months. 6 months इज वेरी डिसेंट इनफ फॉर एन एग्जाम. सो उससे ज्यादा मुश्किल है. बाकी आप लोग जीके भी कर रहे हो और पीवाई क्यूज में सर आपको करवा रहे हैं, पुराने पुराने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो दैट विल बी इनफ. बट करंट अफेयर्स 6 months तो डेफिनेटली करने चाहिए आपको. यस, इंडिया इज द आंसर. इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है इस कमीशन में मेंबर, एंड 54 मेंबर कमीशन है ये. 54 मेंबर, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. स्टेटस ऑफ वुमेन, ये इसकी एक फंक्शनल बॉडी है. मतलब यूएन का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है उसकी एक फंक्शनल बॉडी है ये कमीशन ऑन विमेन, जिसमें इंडिया फिर से इलेक्ट हुई है. ठीक है, इलेक्शंस 2 सीट के लिए लड़े गए थे, एशिया पैसिफिक सारी जो कंट्रीज है उनके लिए. ओके, जहां पे इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना तीनों ने लड़ाई की थी सीट के लिए, लेकिन इंडिया को मिला है. इंडिया वन द इलेक्शन. ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओपन कंट्रीज फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल. कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, कोचिन, चेन्नई. यस, गुड गुड गुड. यस, ओके. विक्रांत, मैं करंट अफेयर्स यही पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, तो श्योर यही इसी चैनल में मैंने 2 और सेशंस लिए हैं जहां पे मैंने अगस्त करा है, आप वहां से वो देख सकते हो. और अभी हर थर्सडे फ्राइडे ये चलेगा, सो कल भी होगी ये क्लास. ठीक है, और बाकी अगर आपको और चाहिए करंट अफेयर्स तो मैंने फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे 2-3 महीने पहले बहुत सारे करंट अफेयर्स कराए थे जब सीडीएस का और सीएपीएफ का एग्जाम था, तो आप वो भी देख सकते हो इफ यू वॉन्ट टू सी. ओके, कंफ्यूज्ड कॉमर्स स्टूडेंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार. सीडीएस सीएपीएफ कुछ मार्क्स नहीं मांग रहा आपके. यस, आंसर इज दिल्ली एयरपोर्ट. दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल आया है. मूवमेंट ऑफ 150 जेट्स डेली. सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड बिजनेस जेट्स कैन फंक्शन एज एयर एम्बुलेंस इन एमरजेंसी ऑल्सो. नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड, या नन ऑफ द अबव? लॉजिकल, एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है यार, लॉजिक लगा लो. नेहल, यस यस, ओके. हाँ, उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मैंने करवा रखा है. यहाँ मैंने पिछले हफ्ते अगस्त करा दिया था, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर भी मैं यहाँ करा दूंगी. नवंबर दिसंबर हो चुका है, अगर बच्चे वहां से नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं फिर से करवा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है. यस, सो आंसर इज बहुत सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रिशन सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. गाइस, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है. एंड अभी आई थिंक पिछले हफ्ते ही आई है,
और बेसिकली बच्चों के ऊपर जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है उसको ट्रैक रखने के लिए कि भाई कितना खर्चा करने की जरूरत है न्यूट्रिशन में, कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, किसको और क्या पॉलिसी लाए, क्या स्कीम्स लाए जिससे न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स बढ़े हमारे। ओके, 14th क्वेश्चन यू गाइस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का या नीति आयोग का, इनमें से किसका है? WEP। ऋषभ अभी डेट रिलीज नहीं हुई है बट वी आर एक्सपेक्टिंग इन 3rd week of February। सो आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए, अगर एग्जाम और आगे बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा है और टाइम मिलेगा। ओके कम ऑन, यस यस आई कैन सी द राइट आंसर, आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग का है ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। गाइज इसका गलत हो रहा है, प्लीज सीखिए पढ़िए लर्न करिए इस चीज को, एग्जाम में अगर ये आता है रेपिटेटिव ऐसा कुछ भी तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नीति आयोग ने इंटरनेशनल वुमेन डे पे लॉन्च किया था WEP प्लेटफॉर्म और पूरे इंडिया को कवर किया था, एस्पायरिंग एंड एस्टैब्लिश्ड वुमेन इन द स्पेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए स्पेसिफिकली। नेक्स्ट, कौन सी डेट पे इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? एक और डे आ गया है, 29th July, 29th June, 29th August, 29th September। Come on, guys, चैनल का लिंक चैट में ऊपर पिन करा हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसमें आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आज ही PDF भी आपको मिल जाएगी। Come on, yes, let's go. Okay. Yes, I see some people answering right. Guys, अगर आप maintain कर रहे हो अपने scores तो मुझे बता दो, how are you scoring? कोई topper type है 15 out of 15, 14 out of 15? तो okay, yes, National Sports Day भाई हो रहा है 29th August को। 29th अगस्त जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसका? मेजर ध्यानचंद, इनकी बर्थ पे हम लोग ये डे मनाते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है डेट की जगह, ठीक है, जो एक हॉकी प्लेयर थे एंड 3 times गोल्ड मेडल ओलंपिक्स फॉर इंडिया, तो इनकी बर्थ पे हम ये बनाते हैं डे। ओके यस वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, ब्रांडेड रॉयल ये न्यूज में था, ये कौन सी स्पीशीज से रिलेटेड है ब्रांडेड रॉयल? स्नेक, बटरफ्लाई, फ्रॉग या टर्टल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप अगली बार सही रहेगा। कम ऑन गाइस, वेरी सिंपल, वेरी गुड, यस सो सिंपल, आंसर इज बटरफ्लाई। एक रेयर स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई है जिसका नाम है, मतलब टाइटल दिया है ब्रांडेड रॉयल, जो कहां स्पॉट करी गई? नीलगिरीज में स्पॉट करी गई, ठीक है। बटरफ्लाई को प्रीवियसली डॉक्यूमेंट किया गया था इतने 1888 में, उसके बाद अब हमें दिखी है, ओनली वन रिकॉर्ड है ऐसा अबाउट दिस बटरफ्लाई इन तमिलनाडु, सो इट्स सो रेयर, दैट्स व्हाई ब्रांडेड रॉयल हमने उसको करा है। और इसका टाइटल है कजूरिया मेलेस्टिग्मा स्पीशीज ऑफ, यार ये साइंटिफिक नेम है यार, लाइसेनिड। ओके मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं सो बेयर विद इट। ओके ठीक है, तो बटरफ्लाई नीलगिरीज एंड तमिलनाडु। ओके थीम, क्वेश्चन नंबर 17, थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे
सेलिब्रेट जो किया जाता है सितंबर 27 को। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि डे क्या है वर्ल्ड टूरिज्म का। सो सितंबर 27, सो उसका थीम बताना है आपको यहाँ पे, COVID-19 और टूरिज्म, टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट। पीवाईक्यू फॉर स्टैटिक जीके, पीवाईक्यू तो करना ही करना है, इट इज अ बेस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपको और जो भी मिल रहा है कर लो, पीवाईक्यू तो करना ही करना है। थैंक यू यार अथर, थैंक यू। ओके ग्रेट, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कम ऑन गाइस, वेरी गुड, यस। अरे तुम लोग ने वो देख लिया ना ब्लॉग हम लोग ने डाला है हमारी ट्रिप का, देख लिया ना तुमने? अगर नहीं देखा तो देख लेना क्लास के बाद, हमने ब्लॉग डाला है अपना जब हम घूमने गए थे उसका, सो यू कैन हैव अ लुक, छोटा सा है, अगर आपका मन हो आप देख सकते हो, इट माइट बी रिफ्रेशिंग फॉर यू। हम ब्लॉग इसलिए करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं कि आप जहाँ जाते हो जस्ट मेक अ वीडियो और क्लिक सम पिक्चर्स एंड शो अस, सो दैट इज हाउ वी आर मोर कनेक्टेड विद देम। सो आप लोग बहुत सारे नए बच्चे हैं तो अगर आपका भी मन हो तो आप वो भी देख सकते हो। यस, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट सितंबर 27 को होता है और इस बार का थीम है टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट, ये इसका थीम है, थीम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉट होस्टेड बाय सिंगल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी दिस ईयर, इंस्टेड बाय नेशंस फ्रॉम द ब्लॉक अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड चले, इस ब्लॉक से सेलिब्रेट हुआ गया है, ठीक है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन एक्टर हैज बीन कंफर्ड विद यूएनडीपी का, उनको अवार्ड मिला है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। बहुत सबके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद, दीपिका पादुकोण। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू बेंजी, अमित, यस, आशुतोष, हाँ हॉट, चलो अच्छा नहीं था वैसे वो, बट हाँ, नेहल अभी नहीं जाना है, हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा ऐसे ही घूम लो, अभी कहीं नहीं घूमने जाना है। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी जगह जगह पोस्टिंग होगी, फिर हर जगह जाके घूमना, वहां पे फोटोज खींचना और हमें भेजना, ठीक है, तो तुम्हारे साथ हम भी घूम लेंगे। ओके, यस, आंसर इज सोनू सूद, वेरी ऑब्वियस आंसर, फेमस एक्टर, इनको अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो असिस्टेंस प्रोवाइड की, हेल्प करी माइग्रेंट वर्कर्स को ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ब्रिंगिंग देम बैक टू इंडिया, बाहर से भी लाए, विद इन इंडिया ऑल्सो, उन्होंने अपना एक मुंबई में होटल भी खोल दिया इनके लिए, सो दैट इज वाई उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके गाइस, दो और क्वेश्चन बचे हैं, लेट्स जस्ट बक अप, एंड मैं थोड़ा स्पीड में भी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं बट स्पीड रख रही हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम यूज हो। क्वेश्चन नंबर 19, 2020 का जो नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी या मेडिसिन, उसको अवार्ड किया गया है कौन से वायरस के ऊपर काम करने के लिए, नोबेल कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, फूड माउथ डिजीज या फिर फ्लाविविरिडे प्रोनाउंसिएशन। ओके, आई नो निकी, आई नो निखिल, अरे स्पिरिट मॉन्क, ये सब चीजें सिर्फ टेस्टी दिखती हैं, हर चीज टेस्टी दिखने वाली अच्छी नहीं होती है, इससे अच्छी तो मैं बना लेती हूँ घर में। ओके, चलो गुड, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ वेरी गुड, हेपेटाइटिस सी इज द आंसर, अमेरिकन साइंटिस्ट, नाम देख लेते हैं, हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन, इन उनको अवार्ड दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, वह इनके काम से हेल्प हुआ है काफी मेजर सोर्स ऑफ ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस, जो पहले एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ए
और बी से, तो इसके ऊपर काम करके इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। नाम जरूर देख लीजिएगा, नाम भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट नेम भी याद कर लोगे आप तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पढ़े गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन माय सहेली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? डीआरडीओ, इंडियन रेलवे, इसरो या इंडियन आर्मी? कम ऑन गाइस। ओ नहीं, अच्छा तभी सर ने करवाया हुआ है। अच्छा, गुड। यस, वेरी इजी, बहुत बढ़िया, सब आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, बस लास्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है फिर। चलो, यस, आंसर इज इंडियन रेलवे गाइस। ऑपरेशन माय सहेली साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा पास कर गए, किस चीज के लिए है ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेफ्टी ऑफ विमेन पैसेंजर्स जब वो अपनी जर्नी में होते हैं ट्रेन की। इससे क्या होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन तक विमेन को प्रोटेक्शन दी जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, पहले क्राइम करो, ठीक है, क्रिमिनल्स को पकड़ते नहीं है, औरतों को प्रोटेक्शन देते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ओके, ऑपरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 3 ट्रेन्स, नेमली टोरंटो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन। सो हियर वी गो, 20 क्वेश्चंस। यस, वेरी गुड, हाँ यस। ओके गाइस, सो 20 क्वेश्चंस आर डाउन एंड आज के लिए हमारा हो गया है क्लास खत्म। कल मैं फिर से आपको आगे के 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, दैट विल बी अक्टूबर मंथ वी विल बी डूइंग, ठीक है। सो सेम टाइम 6 PM। एंड गाइस, जो मैं आपको बता रही थी फ्री पॉलिटी क्लासेस, ये बिगिनर्स के लिए है। जो भी बिगिनर हो आप, बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़ा है उनके लिए है, ठीक है। जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं यू कैन स्किप दिस क्लास। ACIO 2 एग्जाम हो, CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो, जो भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो, आपको पॉलिटी सब्जेक्ट से डर लगता है, कभी करा नहीं है, हैवी लगता है करने में, तो हम एक फ्री क्लास इसकी रख रहे हैं, वीकेंड स्पेशल रहेगा। अब वीकेंड स्पेशल मतलब ये सैटरडे को होगा और संडे को होगा, ठीक है। कब होगा? सुबह 11 बजे, 11 से 1, दो घंटे। इसके लिए मैंने YouTube पे लिंक भी डाला हुआ है, YouTube पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है जिसमें मैंने ग्रीन कलर का जैकेट पहना है, उसी में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप वहां जाके एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट के टाइम पे आपसे हो सकता है कोड मांगे, उस कोड से किसी को पैसे नहीं भर रहे हैं। दिव्या गुप्ता YT उसमें डाल दो और आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, वेरी गुड, हम फिर भी आएंगे यार, तुम ढीठ बच्चे हो, क्या करें, ठीक है। और ये हमारा व्लॉग है जो अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, ये एग्जाम के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर चेंज, ठीक है। अगर आपके पास 10-12-15 मिनट हैं आप देख सकते हो, डिफरेंट लगता है, आपको नहीं देखना है कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है यार देखने के लिए। इफ यू लाइक इट प्लीज गो एंड वॉच, उस पे लाइक बटन भी हिट कर सकते हो आप, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ओके पंकज, दैट्स ओके, आपने इसी बहाने तैयारी करी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो मैंने नहीं करवाए और आपने करे होंगे, सो आपकी तैयारी हो गई, ऐसे सोचो, ठीक है। और अब आप ऐसे करना, इस जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी उसको आप कल एक बार रिवाइज कर लेना, मतलब कल एक बार फिर से करके देखना कि भाई जो जो आपके गलत हुए वो अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको, मतलब सेकेंड टाइम में तो सारे सही होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 20 में से 18 तो सही होने ही चाहिए, हो सकता है 2 याद ना रहे ऐसा, ठीक है। जीके स्टैटिक, श्रेया, जीके स्टैटिक के लिए ऑलरेडी संजय सर करवा रहे हैं, यू कैन पिक अप ऑल द PYQ, ठीक है, सारा PYQ उठा लो जीके का और उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बैंक PO और SSC लेवल का जितना भी जीके आता है आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो,
अगर आपको अनअकैडमी से करना है यहाँ से कर लो, अदरवाइज ऑनलाइन बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप थोड़ा सा सर्च करिए एसएससी बैंक रिलेटेड, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आईबी से रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं अवेलेबल है, इसलिए आपको इनके एग्जाम्स का देखकर करना पड़ेगा। ओके मैंने बता दिया है। प्रियंका 13 out of 20, वेरी गुड, वेरी डिसेंट, यस ओके ऑलराइट। आशुतोष मैंने क्या बोला है, उसमें उससे ना तुम्हारे फोन में वायरस घुस जाता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ठीक है, वो वायरस ऐसे छुप के बैठा रहता है और जब उसका मन करता है वो अटैक करता है, लेकिन मेरा जो कोड है वो वायरस फ्री है, ठीक है, तो उससे तुम्हारा लैपटॉप सिक्योर रहेगा, फोन भी सिक्योर रहेगा। ओके यस रूपांशी, पॉलिटी क्लासेस ये रहेंगी सुबह 11 बजे 11 AM, ठीक है, 2 घंटे की क्लास लूंगी, सैटरडे संडे टोटल हो गया 4 घंटे। अगर इसमें आप बच्चों को हेल्पफुल लग रहा है तो मैं उसके अगले वीकेंड पे भी क्लास रख दूंगी, और वी हैव टाइम, ठीक है, ताकि आपको पूरे हफ्ते में रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा। ठीक है रूपांशी, ऑलराइट गाइस, चलो फिर हम मिलते हैं कल 6 बजे सेम टाइम। ओके और किसी को अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, मैंने अभी बताया, एंड कोर्स हमारा शुरू हो चुका है दिव्या गुप्ता YT, इससे 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, और हमारा CAPF का बैच शुरू हो गया है, IB वगैरह सबका बैच शुरू है, IB में मेरी क्लासेस फर्स्ट स्टेप से शुरू होंगी, CAPF में मेरी क्लासेस फर्स्ट मार्क से शुरू होंगी, ठीक है, ओके गाइज। आई नो सूरज, नहीं बेटा पॉलिटी क्लास अनअकैडमी पे है, स्पेशल क्लास फ्री क्लास अनअकैडमी पे, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, एक दूसरी कम्युनिटी में मैंने वीडियो डाली है, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री क्लास अनअकैडमी की वेबसाइट है, या फिर अगर आपके पास ऐप है दोनों में से आप किसी से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ ओके गाइस, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।